स्पर्श करो और दिखाओ कैसे मालो जी को बिना बेहोशी की दवा दिए शराब से दूर रख सकते हो। जोकू काका, आप इनके चक्कर मत पड़िए। अगर इन्हें आपकी चिंता होती तो आपके लिए वो खाना लेकर आते, ना कि शराब। और ऐसे आपके ऊपर इल्जाम भी नहीं लगाते और ना समाज से ऐसे बहिष्कृत करते हैं आपको। ए, जवाब दे सबको, क्योंकि आज हम किसी को जवाब नहीं देंगे। किसी ने ये रेखा पार करने की कोशिश की ना तो हम ये शराब लेकर चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये रेखा पार नहीं करेगा। नहीं तो हम फुलिया के सब भाई के कही रहेगी, हम दंगा मचा के धूम मरेंगे। कौन रेखा पार नहीं करेगा? जोकू काका, आप समझ क्यों नहीं रहे? ये लोग फंसा रहे हैं आपको। भीम, चुप रहा। तो का अपने संघर्ष पे बहुत भरोसा है ना, तो जैसा ही बोलना है ना वैसे करो। मालू जी का बिना बेहोश किए बिना शराब के रख के दिखाओ। भीम, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है। मालू भैया, आज बात आपके दोस्ती के संघर्षों के महत्ता पर आ गई है। आज आपको बर्दाश्त करना ही होगा। भाभी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बर्दाश्त करने की, लेकिन नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? जीजा भाई, बाहर चलो, कुछ दिखाता हूं। क्या? चलो देखते। टीम के संघर्षों की परीक्षा हो रही है, उसका नतीजा थोड़ी ही देर में निकलेगा। देखते हैं टीम जीतता या हारता है। नींद आ रही है मुझे, ये सब देखने में मुझे मेरा समय बर्बाद नहीं करना। जीजा भाई, देखना तो पड़ेगा ही। मन नहीं है मेरा। मेरा भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ दरिया किनारे आया, तुम्हारे साथ घूमा, तुम्हारे साथ गोला खाया, इसलिए बिना मन के तुम्हें ही देखना पड़ेगा। हाथ छोड़िए। मैं जीजा भाई, हाथ छुड़ाने की कोशिश मत करना, देखना तो पड़ेगा ही। ठीक, चलो देखते देखते क्या दिखाना चाहते हो। चलो, भूख लगी। बैठो बैठो, खाना। बैठो जोकू, हम अभी लेके आवत है खाना। अभी लावत है खाए के दे दो, आपको थोड़ी सी भूख लगी, बहुत भूख लगी हमका। जोकू काका, सबर कीजिए, फुलिया काके खाना लेकर आ रही है। बहुत भूख लगी हमका, बहुत भूख लगी हमका। जोकू, रुक जाओ फुलिया। अगर खाना दोगी तो अंजाम सोच लो, बहुत बुरा होगा। इन चार दिनों तक इसकी जात का कोई भी आदमी इसे खाना पीना नहीं देगा, और जो भी इस सभा का फैसला नहीं मानेगा उसे हमेशा हमेशा के लिए समाज से बाहर कर दिया जाएगा। पति के साथ समाज से बाहर निकाल दिया जाना हमका मंजूर है, लेकिन ठीक है, इसे भूखा देखना तो मंजूर नहीं है। तो फिर आओ ना, आओ आओ, रेखा को पार करके आओ। हाँ, तो हम रेखा भी पार करेंगे, अपने पति को खाना भी खिलाएंगे हम। जीजा भाई, हमारे रास्ते से हट जाओ। क्या कर रही हो? मसीहा बनते हो सबके। तुम्हारे बाबा कल रात को ही मुझे समझा रहे थे
भीम को संघर्ष की क्षमता पर बहुत भरोसा है। तो आगे बढ़ो और इस मुसीबत का सामना करो। तुम अपने समाज का उद्धार करने वाली बात करने वाले आदमी हो तो ये खाने की थाली लेकर बाहर जाना, जोखू को खाना खिलाना, फिर जो सामाजिक दंड मिले उससे लड़ना, जूझना, ये सब तुम्हें करना चाहिए, फुलिया को नहीं। हम कहते होंगे कहीं दे थोड़ी का। इन चार दिनों तक इसकी जात का कोई भी आदमी इसे खाना पीना नहीं देगा और जो भी इस सभा का फैसला नहीं मानेगा उसे हमेशा हमेशा के लिए समाज से बाहर कर दिया जाएगा। भीमराव, क्या सोच रहे हो, खाली लोगे या नहीं, जल्दी फैसला करो। नहीं भीम, कुछ भी करने से पहले ये सोच लेना, क्योंकि ये सब यही चाहते हैं कि तुम किसी भी तरह उनके नियम और फैसले के खिलाफ जाओ ताकि वो तुम्हें सामाजिक बहिष्कार के नाम पे परेशान कर सके। मालू जी सही कहा था, जोखू के साथ जो कुछ भी हुआ है और जिम्मेदार तुम थोड़े ना हो, तो हम दोनों को हमारी हालत में छोड़ दो, जो भी हुई हम पति पत्नी देख ले। बता क्या करोगे? हिम्मत भी कितनी बार तोड़ पाएंगे वो लोग, हिम्मत तो फिर से जुड़ जाएगी और मैं उम्र भर अपने जात के लोगों की हिम्मत को जोड़ता रहूंगा। मुझे नहीं लगता भीम के रास्ते में उसके बाबा, उसकी पत्नी, उसकी बुआ और उसके कुछ समर्थक भी तो होंगे ना। उन सब का प्रेम भीम और जोखू के बीच खड़ा होगा। मुझे नहीं लगता कि भीमराव के लिए इतना आसान होगा उन सब के प्रेम को दरकिनार करके जीजाबाई से थाली लेकर उस जोखू तक जाना। बाबा पागल आदमी हो भीमराव, अपनी जात के लोगों के लिए इतना पागल रहता है कि वो अपनों के प्रेम को भी त्याग सकता है, उसके लिए अपने परिवार से पहले उसका समाज है। हाँ बाबा, मुझे भी यही लगता है कि पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है बाबा, उसको किसी की परवाह ही नहीं है। परवाह है आपकी बाबा। तो मालू जी हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए? जितना मैंने मेघनाथ और मेघनाथ जैसे लोगों को देखा है उसमें मैं ये समझ पाया हूँ कि वो लोग पूरी ताकत से लड़ेंगे और उनकी ताकत उनके लोग होंगे और इसलिए हमें भी अपने लोगों की ताकत बढ़ानी चाहिए। हाँ, हमें ज्यादा से ज्यादा अपने जात के लोगों को एक मत पर लाना होगा, अभी हम ये लड़ाई जीत पाएंगे। साथियों, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक मत पर लाना होगा, तभी हम उस भीमराव को अच्छे तरीके से हरा पाएंगे। क्या क्या कहा तूने, फिर से बोल। यही कि हमें हमारी जात के लोगों को इकट्ठा करना होगा, उनसे बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि ये लड़ाई बस भीमराव अंबेडकर की नहीं और ना ही सिर्फ जोखू काका की, बल्कि ये लड़ाई हम सबकी। और तुझे क्या लगता है सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे? अरे जब इस चाल के लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे तो बाकी सब क्या इकट्ठा होंगे? बेकार की बातें कर रही है। बेकार की बातें आप कर रही हैं काकी, और ये मैं आपको दूसरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे सामने मेरे मित्र के बारे में ऐसी बातें मत किया कीजिए। नहीं तो क्या करोगे? क्या करूँगा ये तो पता नहीं काकी, लेकिन कुछ ऐसा जरूर करूँगा जिसे आप अच्छे से समझ जाएंगी कि मैं भीम नहीं हूँ, जो मर्यादा की कद्र करेगा। नंदू भाव,
क्या हुआ जीजाबाई? ये आपका भाई मुझे तरीका सिखा रहा है, उस जीजाबाई को तरीका सिखा रहा है जिसे उसके पति, उसका परिवार, उसके बहु बेटे कोई नहीं सिखा पाया। अच्छे से समझा दो इसे, अगर मैं मेरे तरीके से समझाऊंगी तो नतीजा बहुत बुरा होगा। नंदू भाव की बातें मुझे कब समझ में आई, जो अब समझ में आएगी। छोड़िए, आपसे बात करना व्यर्थ है। रमा भाभी, आप सबने जो सोचा है सही सोचा है, इसी पे आगे बढ़ते हैं, अपनी जात के लोगों से बात करते हैं। ये भीम दुनिया में पहला आदमी है जो खुद मुसीबतों को आमंत्रित करते हैं, लेकिन इस बार वो अपने हक की लड़ाई के कारण नहीं बल्कि समाज की व्यवस्था का अपराधी बनकर फंसा है। इसलिए इस बार वो विजयी नहीं हो सकता, किसी भी हालत में विजयी नहीं हो सकता। देखूंगी मैं भी। जरूर देखिएगा। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को। नहीं नहीं, ये मानेगा, जितना कुछ लिखा है सब मानेगा। गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे नियमों को कोई कैसे मान सकता है? और इसमें से एक भी नियम को मानने का मतलब ये होगा कि हम इन लोगों के अनैतिक कर्मों को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं नहीं मानता ऐसे नियमों को। ये तुम्हारी गुरु की आज्ञा है, अब तुम इससे आगे एक शब्द नहीं बोलोगे। सुंदर, अति सुंदर गुरुजी। सही कहते हैं लोग कि शिष्य के साथ गुरु का होना बहुत जरूरी है। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलता हूं मैं, पर याद रखना भीमराव, इस कागज में लिखे एक भी नियम टूटे तो सजा मिलेगी। ऐसे देखा जाए तो तुम सबकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन ये योजना अब अपने जात के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उनसे भीम और झोंकू के बारे में बात करनी चाहिए। राम से भीमराव का क्या हुआ, सुना उसके बारे में कुछ? सुना राम जी इतना गंभीर बैठे अपने एक बेटे के साथ, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो दूसरे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। गंभीर तो हो मगर गर्व भी बहुत हो रहा है और संतोष भी है कि जब भीमराव जोखू के साथ है तो कोई भी हाल में जोखू का कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। बहुत किस्मत वाले बाप को ऐसा बेटा मिलता है जो ऐसी लड़ाई लड़े, लेकिन ये बात इन लोगों के समझ में नहीं आएगी। अरे क्या लड़ाई लड़ेगा वो, अरे वो जीवन भर भटकता रहेगा। समाज से निष्कासित आदमी कितने दिनों तक जी पाता है, ये भीमराव जिएगा? देखना एक दिन कहीं ना कहीं ये भीमराव भी मरा हुआ मिलेगा। हितेश काका, दूसरों की जिंदगी की बात करने वाले मेरे दोस्त भीमराव के बारे में मरने की बात की ना तो यही पटक के मारूंगा। अरे हर्षद, नहीं तो अभी मैं तुमको मारूंगा। हट, दोस्त कैसा, अभी तेरा दोस्त भूखे भटकता रहेगा, तू यहाँ खाएगा? कल दोस्त करता है। हितेश काका बोलो, आज मैं आप सबके सामने जाके भीम को खाना खिलाऊंगा। आप सबको जिसको जाके कहना कह दीजिएगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है मेरा। रमा भाभी, रमा भाभी, क्या हुआ? रमा भाभी खाना बन जाए तो बताइएगा, आज मैं भीम के लिए खाना लेकर जाऊंगा
और भीम को खिला कर ही आऊंगा। देखता हूं कौन क्या कर लेता है। ये मौका सही हाथ लगा है, रास्ते में ही तुझे मार डालूंगा। आज तू मरेगा मालू जी। भीम तो इस चाल से निकल चुका है और इस चाल की तरफ से आज मालू जी के लाश के रूप में अपने समाज को कि तू कैसे भीम को खाना खिलाता है और ऊंची जात वाला से बचता है। देखना, बिल्कुल देखना, आज मेरी मित्रता की परीक्षा है तो मैं दूंगा और उसमें उत्तीर्ण भी होके दिखाऊंगा। मालू जी, अभी यह समय भावुक होने का नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर सोचना होगा कि अभी भीम को उनके चंगुल से कैसे छुड़ाया जाए। आनंद भाव, सब हो जाएगा। रमा भाभी, आप खाना बना दीजिए बस। मालू भैया, ऐसे जिद मत कीजिए ना आप। रमा भाभी, आपको मेरी कसम है, आज मैं सबको बताऊंगा कि भीम मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, बनाती हूँ खाना। फिर ठीक है, देखते हैं कि आज मालू जी सही सलामत लौट के आता है या नहीं। मालू जी, ये मत करो, नहीं वो लोग फिर से तुम्हें पकड़कर पुराने हिसाब का बदला निकालेंगे। नंदू भाव, आप ना बहुत स्वार्थी इंसान है। जिस भीम की वजह से आज मैं जिंदा हूं उसके लिए इतना भी जोखिम नहीं उठा सकता। मित्रता की परख में मैं पीछे रह जाऊं? देख लो, भीम को खाना देने जा रहा हूं और लौट कर भी आऊंगा। रुको, हम लोग भी चलते हैं, पता नहीं ये खुद खाना खा ले और आगे कहे कि हम भीम को खिला दिए, हम क्या समझेंगे? हाँ हाँ, चलिए ना, डरता हूँ क्या? मालू जी, तुम किसके चक्कर में पड़े हो? इन लोगों को कुछ समझना ही नहीं है। मगर काका, मुझे तो समझना है। चलिए साथ में, और आप सब लोग सिर्फ देखिएगा, कुछ करिएगा मत। नहीं, कुछ नहीं करेंगे, चलो। और सुनो, यहां से ना सीधे जाना, समझ रहे हो? और रास्ते में जो भी मिले उसे मारकर रास्ते से अलग कर देना। क्या करोगे? जो भी रास्ते में आएगा उसको मार के अलग कर देंगे। अरे भाई, तू क्या कर रहा है? भाऊ, हमें यहीं रुकना चाहिए, वो यहीं आएगा। आज देखते हैं कि वो मालू जी उस भीमराव को कैसे खाना खिलाता है। हमारा नमक खा के, हमारी शराब पी के हमसे गद्दारी करेगा। आने दो उसे, आज यही मार डालेंगे उसे। भाऊ, शनि थोड़ा भारी है, पर आप परेशान मत होइए, बदला तो हमारा पूरा होकर रहेगा। उसे इतना पीटेंगे कि वो भीमराव को खाना तो क्या, खुद के लिए पानी भी नसीब नहीं होगा उसे। नहीं, मरेगा तड़प तड़प कर। ये दोनों यहां क्या कर रहे? इन्हें तो इस वक्त शराब की दुकान पर होना चाहिए था। जा, जा, जा।
रुको, आ जा रहे हो तुम दोनों। तुम होते कौन हो पूछने वाले? तुम्हारा जहां मन करेगा हम वहां जाएंगे। हट जाओ हमारे रास्ते से। ए? ए? दिमाग खराब हो गया? ज्यादा पी लिए क्या? होश में तो हो? मैं मालिक है हम तुम्हारे। तुम्हें शराब की दुकान पर निगरानी के लिए रखा था और तुम शराब पीकर हमसे जुबान लड़ा रहे हो। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं नहीं रखनी चाहिए, फिर अंजाम चाहे जो हो। भीम, भीम तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ भैया। भैया आप दोनों जाइए, मैं इनके साथ यही रुकती हूँ। क्यों, तुम भी चली जाओ ना इनके साथ। रमा ठीक है, आपसे 10 कदम दूर ही रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए। भैया दीदी आप दोनों जाइए। ठीक है रमा, भीम का ख्याल रखना। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों नहीं गई उनके साथ? कितनी रात हो गई है? रात तो आपके लिए भी बहुत हो गई है ना? रमा तुम मेरी बात। क्या रमा रमा, नहीं जाऊंगी। आप चलेंगे तो आपके पीछे पीछे 10 कदम चलूंगी, और अगर बार बार जाने के लिए कहेंगे ना तो लड़ूंगी आपसे। लेकिन मुझे ये बताओ कि यहाँ रुक कर करोगी क्या? बातें करूंगी, पर वहाँ चाल में मेरा मन नहीं लगेगा। पर आप ऐसे यहाँ सड़क पर रहेंगे तो मैं वहाँ घर में बिस्तर पर कैसे सो सकती हूँ? चाल में जब आप मुझे छोड़कर निकल रहे थे तो आपने कहा था कि मैं तुम्हें अपने जीवन के हर संघर्षों में साथ नहीं लेकर जा सकता, मगर संघर्षों के बीच में जो विश्राम का समय है उसमें तो मैं आपके साथ रह सकती हूँ ना? तो उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी जगह तो हर समय है। राजा प्रजा जो ही रुचे सिस दे ही ले जा। पर मैंने जब यहाँ बैठना चाहा तब आपने भी मुझे नहीं रोका। पति पत्नी के रिश्ते में सम्मान होना बहुत जरूरी है। आरमा, सम्मान के बिना किसी भी रिश्ते में दासत्व का भाव आ जाता है, और दासत्व का भाव किसी भी रिश्ते में घुन की तरह होता है जो खोखला करके ही छोड़ता है। चलो अब तुम्हें घर जाना चाहिए। नहीं, मैं पूरी रात आपके साथ ही रहूंगी। पूरी रात? नहीं तो पूरी रात। रुकिए, अगर प्रेम नहीं है तो चले जाइए, और अगर है तो बैठे रहिए, क्योंकि ये रात कोई मामूली रात नहीं है। ये रात भीमराव अंबेडकर के संघर्षों की रात है। ये रात आप कभी नहीं भूलेंगे, ना मैं भूलूंगी और ना ही यह संसार भूलेगा। ये रात आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा होगी। मतलब क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? मैं ना आपका साक्षात्कार लेना चाहती हूँ। क्या? हाँ, भीमराव अंबेडकर का पहला साक्षात्कार उनकी पत्नी रमा लेंगे, और आज वह उसे आ गया है। कैसी बातें कर रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो। मैं ना घर से निकली थी तब ये लेकर निकली थी। मैंने सोच रखा था कि आज रात में मैं आपसे सवाल पूछूंगी,
और जवाब भी आप ही देंगे। हाँ। पहला सवाल भीमराव अम्बेडकर जी, आज की रात को आप अपने जीवन में संघर्ष की नजर से कैसे देखते हैं? बताइए ना। मेरे जीवन में सबसे कमजोर दो क्षण रहे हैं। एक क्षण वो था जब मेरी आई भीमाबाई ने मेरे सामने दम तोड़ दिया। और मैं कुछ नहीं कर पाया। और दूसरा क्षण आज है जो मेरी पत्नी मेरे सामने है लेकिन दूर बैठी है। चाहकर भी मैं उसके पास नहीं जा सकता। बाबा छोटे को पिटवाया, महीपाल को। बाबा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं, जान ले लूंगा मैं उसकी। शिशुपाल शांत हो जा, शांत हो जाओ। अपने गुस्से को काबू में रखना सीखो। अगर मैंने मान भी लिया कि तेरा अंदाजा सही है तो भी कैसे साबित करेगा कि वो मालोजी ही था? बेटा जो बात साबित नहीं कर सकते उस पर विचार करने का कुछ फायदा नहीं। इन छोटी जात वालों को यह अंदाजा भी नहीं है कि उन सब की जिंदगी में कितना बड़ा भवंडर लाने वाला हूं मैं। एक काम कर, तू अपने सारे आदमियों को तैयार रख किसी भी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए। बाबा तैयारी तो भीमराव और उसकी जात वालों ने की है। गुरुजी, भीम, भीम बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई। क्या हुआ गुरुजी? प्रशासन वाले दमनकारी नीति से सबको मारकर भगा रहे हैं। क्या ये गलत है गुरुजी? प्रशासन के लोग हमारे लोगों को इस तरह से मार नहीं सकते। ये तो हमारे लोगों के साथ जाती है, अन्याय हो रहा है। बस भाई यहीं बैठ जाते हैं। भीम हमें ये लड़ाई रोकनी होगी नहीं तो सब सब घायल हो जाएंगे।